थैंक यू बताने के लिए. ओके, नाउ अ फील्ड परमिशन पे लिखा है रेटिंग फील्ड ऑन द अकाउंट ऑब्जेक्ट नो एक्सेस. ठीक है, अब अकाउंट ऑब्जेक्ट के FLS पे जाओ, फील्ड लेवल सिक्योरिटी पे जाओ अकाउंट ऑब्जेक्ट के. नहीं, ये रिकॉर्ड टाइप हो गया. हाँ ये रहा. ना, और नीचे पेज लेआउट, पेज लेआउट के बाद होगा FLS पास. ये रहा, व्यू पे क्लिक करो. ओके, नाउ यहाँ से आपको रेटिंग वाली फील्ड से रीड एक्सेस हटाना है. कंट्रोल एफ करो रेटिंग, कंट्रोल एफ करके करो रेटिंग. तो यहाँ पे रीड एक्सेस है ना, तो आपको ये रीड एक्सेस हटाना पड़ेगा. एडिट करके, हाँ एडिट कीजिए. अब यहाँ से रीड एक्सेस हटा दो. ओके ओके, अब सेव करो. अब वापस ट्रेलहेड में जाओ. वापस ट्रेल. ओके, अब ऑल अदर परमिशन फ्रॉम दिस रिमेन एज इट इज. ठीक है, फिर आपने नया परमिशन सेट बनाया रेटिंग वाला. हाँ ओके, हाँ अब चेक करो, चेक करो अब इसे. ये चैलेंज को टेस्ट चेक, टेस्ट करो. अब हो जाएगा शायद. ओके, हो गया ना. हाँ, so, थैंक यू. यहाँ पे सिर्फ आप एक चीज मिस कर गए थे कि आपको प्रोफाइल से, देखो आपने उस पर्टिकुलर फील्ड पे एक्सेस तो है उस यूजर को, लेकिन उस पे एक्सेस किस कैसे उसको, थ्रू द परमिशन सेट नॉट विद द प्रोफाइल, है ना. प्रोफाइल से हमने फील्ड लेवल एक्सेस हटा दिया, बट हमने वो एक्सेस परमिशन सेट से दे दिया. ओके, थैंक यू. ठीक है, किसी और को कोई डाउट? नहीं, ऑल क्लियर. ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. नाउ मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ एंड आप लोग उसके आंसर कीजिएगा. लेट सपोज कि क्वेश्चन किससे पूछूं. सबसे लास्ट में नितिन ने कॉल को ज्वाइन किया, सो आई लास्ट नितिन. तो नितिन मुझे एक बात बताओ, लेट सपोज ऑर्डर नंबर ऑब्जेक्ट पे 10 रिकॉर्ड है, बट मुझे केवल 3 ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या होगा? Nitin, can you hear me? Yes, sir. हाँ. Hello. मेरा question, हाँ हाँ Nitin, आवाज आ रही तुम्हारी. मेरा question समझ में आया तुमको Nitin? No, sir.
मैं क्वेश्चन कह मेरा ये है कि लेट सपोज इस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑब्जेक्ट पे, ऑर्डर नंबर ऑब्जेक्ट पे 10 रिकॉर्ड है, ठीक है। एक दूसरा यूजर उसको 10 रिकॉर्ड दिख रहे हैं बट मुझे केवल 3 ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं, क्या रीजन होगा? सर एक मिनट, हम लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। ओके चलो नितिन, जब तक कनेक्ट कर रहा है राष्ट्रीय आप बताइए। सर वो रिकॉर्ड कंट्रोल एक्सेस पे जाना पड़ेगा, कंट्रोल एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में। तो नहीं, इसमें सॉल्व जैसे हम सॉल्व करें वो तो बाद में, पहले मैं आपसे बेसिक रीजन पूछ रहा हूँ। बेसिक रीजन क्या है कि मुझे केवल 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, बाकी मेरा जो दोस्त है, जो भी कलीग है, उसको 10 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, बेसिक रीजन क्या है? सर वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। किस चीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया हुआ है? मतलब उसको बाकी के रिकॉर्ड्स नहीं दिख रहे तो बाकी के दिखने से रिस्ट्रिक्ट किया है, बाकी रिकॉर्ड दिखने से। मेरे कलीग को 10 दिख रहे हैं, मुझे केवल 3 दिख रहे हैं। मेरे कलीग को ज्यादा रिकॉर्ड दिख रहा है, मुझे कम दिख रहे हैं, तो क्या रीजन है कि मुझे कम दिख रहे हैं रिकॉर्ड? उसको एक्सेस नहीं दिया है, मतलब किस चीज पे एक्सेस नहीं है? हाइड नहीं किया, हाइड किया शायद। किस चीज पे एक्सेस नहीं है? मतलब सर वो ऑर्ग वाइल डिफॉल्ट में रहता है वैसा कुछ। ओके मतलब सिर्फ वो अपनी अपने ही रिकॉर्ड देख सकता है, दूसरे के नहीं। अपने रिकॉर्ड देख सकता है, दूसरे के नहीं। ओके ठीक है, तो ऑर्ग वाइल्ड डिफॉल्ट में क्या सेटिंग होगी? सर वो आप 3 सेटिंग्स रहती है, प्राइवेट, पब्लिक ओनली रीड और पब्लिक रीड राइट। ओके तो इस केस में क्या रहेगा सिनेरियो? सर इसमें प्राइवेट। ओके प्राइवेट रहेगा, ठीक है। तो फिर दूसरे वाले को 10 रिकॉर्ड कैसे दिख रहे हैं? सर उसको पब्लिक रीड राइट ऐसा होगा, पब्लिक रीड राइट होगा। हाँ ओके ठीक है। आज स्नेहा आप बताइए इसका आंसर। सर आपकी जो प्रोफाइल है तो आपको उतने ही रिकॉर्ड दिखेंगे, ऐसा एक्सेस दिया होगा। मतलब जो मतलब जिन्होंने आपको एक्सेस दिया है उतने ही रिकॉर्ड आपको दिखने चाहिए, एडिट होने चाहिए या कुछ होने चाहिए, उतना ही एक्सेस आपको होगा। और आपका जो कलीग है सर तो उसको ज्यादा एक्सेस, मतलब ज्यादा परमिशन दिए कि वो एडिट एक्सेस ज्यादा रिकॉर्ड। हाँ ठीक है। कोमल आप बताइए इसका आंसर। सर एक तो ये भी हो सकता है कि आपको एक्सेस मतलब उन्हीं रिकॉर्ड का दिया है, और सेकंड थिंग ये भी हो सकती है कि आपने जो क्रिएट किया है सिर्फ वो ही आपको दिख रहे हैं। ओके और शायद मैंने से आप किया, आपका कलीग है, ओके आपके जो कलीग है उनकी मतलब उनको ज्यादा ये दिया होगा, मींस रिकॉर्ड। हाँ एक्सेस जो है आपसे ज्यादा दिया होगा, तो उनको ज्यादा एक्सेस कहां से होगा? OWD में रिकॉर्ड का जो है वहां से उनको पब्लिक दिया। ओके उनके पास पब्लिक होगा बट मेरे लिए प्राइवेट होगा। प्राइवेट होगा ठीक है। नितिन तो शायद सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है। ओके नाउ पुष्प आप बताइए मुझे इसका आंसर। सर पहली बात तो आपको प्रोफाइल या परमिशन सेट से उतना ही एक्सेस दिया है और आपको कलीग को ज्यादा दिया है, और दूसरी बात ये कि आपके पेज लेआउट में आपको उतना ही दिखाया है और आपके कलीग के उसमें ज्यादा, ऐसा पेज लेआउट आपका बनाया गया है प्रोफाइल में। ठीक है ठीक है। पुष्प का हो गया, राष्ट्रीय, स्नेहा, कोमल का हो गया, नितिन स्वैनिंग, ज्योति आप बताइए।
सर आपको एक्सेस मतलब आपके जो कलीग हैं उनको एक्सेस दिया हुआ होगा सर और आपको नहीं दिया होगा। एक्सेस कहाँ पे होगा याला? आवाज आ रही है ज्योति आपको मेरी? हेलो। यस सर। हाँ ज्योति फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मेरे तक, फिर से बोलिए आप। सर आपको कलीग को आज दिया हुआ होगा और आपको दिया होगा। ओके, आई एम नॉट श्योर कि मेरे साथ बस इशू है कि ज्योति की वॉइस बाकियों को प्रॉपर आ रही कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। So, अक्षय आप मेरे को पहले बताइए ज्योति की आवाज आपको प्रॉपर आ रही है क्या? ब्रेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके चलिए, मतलब बैकग्राउंड वॉइस भी आ रहा है। ओके ठीक है, अब आप अक्षय इसका बताइए आंसर। वही एक्सेस ही रहेगा जो सीनियर मैनेजर रहेगा। हाँ उसने कम लोगों को एक्सेस दिया रहेगा। किस चीज में? जो रिकॉर्ड शो हो रहा है उनके लिए कुछ रिकॉर्ड सिर्फ उसके कलीग को दिखेंगे बाकी उनको। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो कहाँ से वो एक्सेस डिफाइंड हो रहा है? परमिशन सेट से। परमिशन सेट से, ओके ठीक है। अब द लास्ट इज पलाश। पलाश आप बताइए इसका आंसर। पलाश आई एम नॉट एबल टू हियर यू। यस सर, वो वही परमिशन सेट है। परमिशन सेट है, यस। ओके, परमिशन सेट से उसको हाइड किया है। ओके, सो गाइस आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड यार, सभी ने गलत जवाब दिया, मतलब कोई थोड़ा भी क्लोज नहीं आया। एंड I will try to means फिर से मैं चीज क्लियर कर। मैंने सिंपल आपसे बोला कि लेट से मुझे यहाँ पे 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं बट मेरे मैनेजर को 10 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, उसका रीजन क्या होगा? रोल डिफाइन किया है। हाँ रोल डिफाइन किया है उसके वजह। रोल डिफाइन है, ठीक है, रोल से है, रोल एक्सेस का इशू है डेफिनेटली, बट ऐसा क्या है कि मेरे मैनेजर को 10 रिकॉर्ड दिख रहे हैं बट मेरे मैनेजर को छोड़ दो, मैनेजर शब्द नहीं ले लो, मेरे एक दूसरा जो कलीग है उसको 10 रिकॉर्ड दिख रहे हैं बट मुझे केवल 3 दिख रहे हैं। तो आई विल कम टू ईच एंड एवरी रॉन्ग आंसर जो जो दिया गया। 2-3 लोगों ने बोला कि ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट का होगा, तो एक चीज आप लोग ये सोचिए, ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट जब आप बोल रहे हैं क्या वो यूजर स्पेसिफिक हो सकती है? जब नाम ही है उसका ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट, तो मतलब वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, उसमें एक एक यूजर के लिए अलग अलग सेटिंग्स थोड़ी नहीं होगी, वो आप ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक सेटिंग्स करते हैं एंड देट विल बी सेम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी यूजर एक्सेस करेगा, लेट सपोज कि अगर ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट पे ऑर्डर नंबर ऑब्जेक्ट के लिए मैंने प्राइवेट रख दिया तो वो हर एक यूजर के लिए प्राइवेट है, फिर वो और मतलब क्या बोलते हैं आपके से यूजर स्पेसिफिक नहीं होगा आपका वो। ओके, सो पहली चीज तो जो आप लोग यहाँ पे बोल रहे थे ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट वाला, ठीक है, सो मेक इसको वेरी क्लियर करो कि ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होता है, वो यूजर स्पेसिफिक नहीं होता। अगर एक बार मैंने किसी ऑब्जेक्ट के लिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ओपन करके, यहाँ क्लियरली देखो ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट लिखा हुआ है,
ठीक है, दैट इज द डिफॉल्ट शेयरिंग सेटिंग्स कि ये इस तरीके से रिकॉर्ड शेयर होंगे ही होंगे। तो अगर मेरे ऑब्जेक्ट के लिए लेट सपोज ऑर्डर नंबर के लिए अगर मैं यहाँ पे पब्लिक या प्राइवेट कर देता हूँ, दैट मीन्स कि मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखेंगे जो मैंने क्रिएट किए हैं। ये सिर्फ मेरे लिए स्पेसिफिक नहीं होगा, ये हर एक यूजर के लिए स्पेसिफिक होगा। तो ऐसा नहीं कि एक यूजर के लिए आप प्राइवेट कर दोगे, दूसरे के लिए पब्लिक रीड ओनली कर दोगे, फिर मतलब क्या हुआ, फिर किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स हो गई। ओके, सो अगर ऑर्गवाइड डिफॉल्ट में अगर कोई सेटिंग्स है तो अगर वो प्राइवेट है तो वो थ्रू आउट हर यूजर के लिए प्राइवेट है, अगर वो पब्लिक रीड ओनली है तो सभी के लिए पब्लिक रीड ओनली है। ठीक है, एंड कई लोगों ने बोला कि परमिशन सेट से देखो एक्सेस का इशू है, डेफिनेटली मुझे 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, सामने वाले को 10 दिख रहे हैं, डेफिनेटली एक्सेस का इशू है। नाउ एक्सेस में लोग परमिशन सेट पे चले गए, परमिशन सेट पे ज्यादा एक्सेस होगा। मैंने तुम लोग को बार बार रिपीट किया है, बार बार और फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रोफाइल और परमिशन सेट का डेटा से कोई लेना देना नहीं है। ये डेटा है, मुझे कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं ये डेटा है, मुझे 3 रिकॉर्ड दिखेंगे, 10 रिकॉर्ड देखेंगे, 20, 100, ये क्या है, डेटा की बात हो रही है। प्रोफाइल परमिशन सेट क्या देखती है, जब मैं इस डेटा पे क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर जो फील्ड्स दिखेंगे मुझे, या पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेस है, ठीक है, या कोई पेज लेआउट ओपन हो रहा है, क्या हो गया इसको, ठीक है, सो उसके रिकॉर्डिंग होगी। और आई एम नॉट श्योर कि वाई आप लोग जब भी एक्सेस का होता है सीधे परमिशन सेट बोलते हैं। परमिशन सेट का लेना देना रिकॉर्ड से नहीं है, उनकी फील्ड से है, ये फील्ड आपको लेट से दिखेगी कि नहीं दिखेगी। ठीक है, जैसे अभी हम अक्षय ने वो कर रहा था, मॉड्यूल कर रहा था, तो उसमें हम प्रोफाइल से एक्सेस हटा देते हैं, कोई रेटिंग करके फील्ड रहती है, और एक्सेस किस में दे देते हैं, परमिशन सेट पे दे देते हैं, तो उसको उस यूजर को वो फील्ड दिखने लगती है, बिकॉज वो फील्ड उसको परमिशन सेट से एक्सेस मिला हुआ है। सो आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग प्रोफाइल और परमिशन सेट का इन डेटा से कोई लेना देना नहीं है। प्रोफाइल और परमिशन सेट का लेना देना है कि लेट से अगर आपको इस ऑब्जेक्ट पे एक्सेस है कि नहीं, इस ऑब्जेक्ट आप देख पाओगे कि नहीं, अगर ऑब्जेक्ट देख पाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट की फील्ड्स, कौन कौन सी फील्ड आपको दिखेंगी, कौन कौन सी नहीं दिखेंगी, वो डिफाइन करती है प्रोफाइल परमिशन सेट। ठीक है, कोई आपको फील्ड दिख रही है तो आप उसको एडिट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो डिफाइन करता है आपका प्रोफाइल या परमिशन सेट। डेटा का दिखना या ना दिखना वो आपके रोल पे डिफाइन होता है। क्लियर हुआ? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है, एंड देन व्हेन आई आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन तो आप लोग के आंसर बहुत ही शॉकिंग होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना? मेरे को लेट से 3 दिख रहे हैं और जो मेरा कलीग है उसको 10 दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ ऐसे केस में डेफिनेटली जो मेरे को जो एक्सेस है डेटा का वो, और जो मेरे कलीग को एक्सेस है उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंस होगा, तभी मेरे कलीग को ज्यादा डेटा दिख रहा है। तो हमने पढ़ा है कि एक होता है ऑर्गवाइड डिफॉल्ट। अगर ऑर्गवाइड मेरे केस में मान लेते हैं, अगर ऑर्गवाइड डिफॉल्ट पब्लिक रीड ओनली होता तो मुझे भी 10 रिकॉर्ड दिख रहे होते, अगर मेरे कलीग को 10 दिख रहे हैं तो मुझे भी 10 दिख रहे होते, क्योंकि पब्लिक रीड ओनली है, दैट मींस कि जितने रिकॉर्ड हैं वो सभी मेरे को दिखेंगे। तो दैट मींस पब्लिक रीड ओनली तो नहीं हुआ, प्राइवेट ही हुआ, तो ऑर्गवाइड डिफॉल्ट से तो इसका लेना नहीं देना नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जो कलीग है उसको तो ज्यादा रिकॉर्ड दिख रहे हैं। देन सेकेंड केस आ जाता है हायरार्की। अगेन यहाँ पे हायरार्की भी नहीं आएगा, बिकॉज हायरार्की पे आपके मैनेजर को डेटा पे एक्सेस होता है, आपके कलीग को नहीं होगा। देन हमने देखा था शेयरिंग रूल्स होता है और मैनुअल शेयरिंग होता है, तो हो सकता है इधर थ्रू शेयरिंग रूल्स और मैनुअल शेयरिंग के थ्रू जो मेरे कलीग है उसको ज्यादा रिकॉर्ड्स उसके साथ शेयर किए गए हों, जिसके कारण वो ज्यादा रिकॉर्ड देख पा रहा है, सॉरी, और मैं नहीं देख पा रहा हूँ। क्लियर हुआ? और इसको करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक नया यूजर बनाते हैं जिसके थ्रू हम अपनी सारी टेस्टिंग करते हैं आज, कि वेरियस प्रोफाइल परमिशन सेट में चेंजेस करने से क्या क्या होंगे।
तो हमारा एक टेस्ट 3RI करके है, हम इसकी जो प्रोफाइल है तो हम एक नई प्रोफाइल बनाएंगे। मैं बनाता हूँ प्लेटफॉर्म सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म की, ओके इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है गॉट इट। नाउ अब हम इस यूजर को एक प्रोफाइल दे रहे हैं और इस प्रोफाइल का नाम होगा रीड ओनली। इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं इस प्रोफाइल पे, ठीक है। अब हम यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं और हम यूजर करेंगे अपने जो हमने टेस्ट यूज, ओ शिट यार यूजर नेम कॉपी करना भूल गया। So this is my username. Let me copy it. इसका पासवर्ड क्या है? मैं तो let me try. ओके सो अब हम एज एन एडमिन लॉग इन नहीं कर रहे हैं, तो अब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेस रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं। ओके नाउ अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो मैंने सेल्स एप्लीकेशन ओपन की है, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो यूजर है उसको ना कॉन्टेक्ट का दिख, ना ऑर्डर नंबर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ना कोई भी जो हमने क्रिएट किए थे ना कस्टमर दिख रहा है ना ऑर्डर नंबर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर यूजर को, जो ये यूजर है इसको उस पर एक्सेस नहीं है। अब हम क्या करते हैं, मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ, अदरवाइज ये बार बार मेरे को लॉग आउट करना पड़ेगा। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, सबको स्क्रीन दिख रही है? गाइस स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस यस सर दिख रही है। ओके मैं भी लॉग इन करता हूं। ओके सो कौन ज्योति थी जिनको इशू आ रहा था, कौन था ये? स्नेहा। अच्छा स्नेहा को इशू आ रहा था, ओके यार मैं एक और ही ओपन कैसे करूं, चलो यहां से कर लें।
ओके सो यहाँ हमारा एडमिन ओपन है, ठीक है, ज्यादा क्लियर करने के लिए कि अगर आपको ऊपर इस तरह का वायलेट कलर का दिख रहा है दैट मींस एडमिन ओपन है, और यहाँ पे जो हमारा हमने टेस्ट यूजर बनाया है वो ओपन है, ठीक है, दोनों स्क्रीन दिख रही है ना मेरी एवरीवन? यस सर, ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे हमारा वो यूजर है जिसके लिए हम वेरियस अपनी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, कि देखेंगे कि प्रोफाइल और परमिशन सेट से हम क्या क्या एक्सेस दे सकते हैं, किस तरीके से दोनों यूजर को अलग अलग पेज लेआउट दिखेगा। सो हमने अभी यहाँ पे अगर देखो तुम तो सेल्स एप्लीकेशन पे इस पर्टिकुलर यूजर को ऑर्डर नंबर और कॉन्टेक्ट कस्टमर ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं जाऊं, चूंकि मैं एडमिन हूं, सो मुझे दिखेगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर यूजर को ये एक्सेस देने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से हम यहाँ पे इसको एक्सेस देते हैं प्रोफाइल के थ्रू। सो इस यूजर की जो प्रोफाइल है हम वहां पे जाएंगे, ठीक है, और इसकी प्रोफाइल है दिस वन रीड ओनली। नाउ हम सबसे पहले इसको ऑर्डर नंबर ऑब्जेक्ट पे एक्सेस देंगे। मैंने किया कंट्रोल एफ और यहाँ पे लिखा ऑर्डर नंबर, ये आ गया। तो इसका टैब मैंने पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट में एक्सेस होने के साथ आपके उस ऑब्जेक्ट का टैब भी ऑन होना चाहिए, डिफॉल्ट ऑन होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ऑन है। यहाँ हम ऑर्डर ऑब्जेक्ट परमिशन पे जाएंगे, तो अभी मैंने सिर्फ इसको रीड एक्सेस दे रहा हूँ और कोई एक्सेस नहीं, तो ये क्रिएट भी नहीं कर सकता रिकॉर्ड को, एडिट भी नहीं कर सकता और डिलीट तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ जाके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब एक चीज और, चूंकि चलो पहले मैं दिखा दूं, इसको रिफ्रेश कर दूं फिर दिखाता हूं। तो मेरे को ऑर्डर नंबर ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। अब लेट से ये यूजर, ठीक है, इस पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं गया ऑल वाले पे क्लिक किया मैंने, इसको पिन कर देता हूँ। पहले मुझे ये बताओ क्या ये न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर पा रहा है क्या ये यूजर, इसको न्यू की बटन दिख रही है कहीं पे? नो, नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल से उसको एक्सेस नहीं है। क्या मैं एडिट कर पा रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करके? देखो एडिट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ क्लिक करूं और इनको क्लिक करके एडिट करना चाहूँ, क्या मैं एडिट कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ। बट एज एन एडमिन, मैं एडमिन तो कर पाएगा क्योंकि इसको एडिट एक्सेस है, बट यहाँ क्या मैं इसको डिलीट कर पाऊंगा? नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्लियर हुआ किस तरीके से होता है एडिट, क्रिएट और डिलीट वाला फंक्शनैलिटी, है ना? चूंकि प्रोफाइल पे मुझे सिर्फ रीड एक्सेस है, तो मैं ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। अब रही बात उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स की, ठीक है यार, कैन एवरीवन प्लीज बी ऑन म्यूट, को कहीं से तो मेरी वॉइस इको हो रही है किसी के बैकग्राउंड से। हाँ, नाउ परफेक्ट। नाउ अब इस पर्टिकुलर यूजर को ये तीन रिकॉर्ड क्यों दिख रहे हैं? द रीजन इज कि अगर हम org wide डिफॉल्ट पे जाएंगे, मैं इसको अगर एडिट करूं, सो org wide डिफॉल्ट पे अगर मैं जाऊंगा तो ऑर्डर नंबर के लिए क्या है, पब्लिक रीड राइट, ठीक कर देता हूं और सेव कर देता हूं। ठीक है मैंने इसको पवो करके प्राइवेट कर दिया। अब मैं हम यहाँ वापस देखेंगे, नहीं पब्लिक रीड राइट है, क्या इशू है भाई? वन और मोर शेयरिंग ऑपरेशन हैज बीन इनिशिएटेड,
क्यों मैं इसको प्राइवेट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा प्राइवेट है ना, ओके प्राइवेट है इसका भी। सो ऑर्डर नंबर के लिए प्राइवेट है, ठीक है। अभी इसको तीन रिकॉर्ड दिख रहे हैं ना, लेट सी नाउ आई विल रिफ्रेश इट। नाउ अब इसको एक भी रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसको ऑर्डर नंबर ऑब्जेक्ट पे रीड की परमिशन है, बट क्या रीड करने की ये नहीं, ठीक है। क्या रीड कर सकता है वो डेटा का ही एक्सेस नहीं है भाई। आपको पढ़ना लिखना आता है, ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बट न्यूज़पेपर आप तभी पढ़ोगे ना जब आपके हाथ में न्यूज़पेपर होगा। तो यहाँ पे हमने यूजर को रीड एक्सेस तो दे दिया ऑब्जेक्ट पे, बट उसके पास जो रोल है उस रोल पे हमने किसी भी रिकॉर्ड पे उसको एक्सेस नहीं दिया। अभी यहाँ पे इसको एक्सेस है प्राइवेट का, दैट मीन्स ये केवल वही रिकॉर्ड देख सकता है जो इसने खुद क्रिएट किया होगा। तो हम क्या करते हैं, अब इस पर्टिकुलर यूजर को क्रिएट की परमिशन भी दे देते हैं। वापस जाएंगे प्रोफाइल पे। दिस वन इज द प्रोफाइल। अभी तक जो भी मैंने किया समझ में आया? यस सर। क्लियर हो रहा है जो भी इश्यू था इन टर्म्स ऑफ डेटा ऑफ फील्ड के रिगार्डिंग, ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, थोड़ा बहुत जो भी इश्यू था क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर नंबर ऑब्जेक्ट पे इसको एडिट एक्सेस और क्रिएट एक्सेस और दे देते हैं। अब मैंने रीड के साथ क्रिएट एक्सेस और दे दे रहा हूँ, एडिट और डिलीट अभी भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ क्रिएट दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको क्रिएट एक्सेस दे दिया, लेट मी रिफ्रेश इट हियर। न्यू की बटन दिख रही है? लेट मी, अब मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ। यस सर। लेट मी क्रिएट ए रिकॉर्ड। यू डोंट हैव द नेसेसरी प्रिविलेज टू क्रिएट दिस रिकॉर्ड। ओके, आई थिंक द रीजन वुड बी, let me check, वो रीजन होगा, यहाँ से पता चल जाएगा ना, ऑर्डर नंबर पे आई गेस कस्टमर का लुकअप होगा। नहीं, कस्टमर का लुकअप तो नहीं है। ओके, इस प्रोफाइल का पेज लेआउट देखें। एक बार मैं इसको लॉग आउट करके फिर से वो करूं, पहले कई बार ना कैशे में सेव हो जाता है। आ गया, वो कैशे का इशू रहता कई बार। सो अब आप देख पा रहे हैं कि इसको क्रिएट की परमिशन है। अब लेट्स से मैं क्रिएट करता हूं तो डिस्क्रिप्शन पे दिस इज फॉर रीड ओनली प्रोफाइल टेस्ट, स्टेटस वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोडक्ट नेम टेस्ट रिकॉर्ड। नाउ ये क्रिएट हो गया। अगेन मैं क्रिएट कर पाया हूं बट एडिट अभी भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेट से आप चाहते हैं कि आप अपनी यूजर को जो भी है उसको क्रिएट बस वो कर पाए, एडिट ना कर पाए। एक बार अगर उसने रिकॉर्ड को सबमिट कर दिया है दैट इज फाइनल, अब वो उसको एडिट ना कर पाए तो आप उसको सिर्फ क्रिएट की परमिशन देंगे, एडिट की नहीं देंगे। अब अगर मैं ऑर्डर नंबर पे जाऊं तो मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखेगा, बट मैं चूंकि एडमिन हूं मैं जाऊंगा तो मुझे चारों रिकॉर्ड दिखेंगे,
जो अभी लेटेस्ट क्रिएट हुआ है वो भी दिखेगा। क्लियर हुआ? यस सर। अब हम ऐसा करते हैं कि एडमिन को एक अलग पेज लेआउट दिखाएंगे, ठीक है, और उसको अलग पेज लेआउट दिखाएंगे जो रीड ओनली वाला यूजर है। और हम दो तरीकों से कर सकते हैं इसको, हम दोनों तरीके देखेंगे। पहला, जब हम इस रिकॉर्ड को ओपन करते हैं हमें चार फील्ड दिखती हैं, ठीक है। लेट से जो प्रोडक्ट नेम है ना, ये मेरे को रीड ओनली वाले से हटाना है। तो दो तरीके हैं जो हमने पहले ही बताए थे। कौन मुझे दोनों तरीके बताएगा? और दोनों तरीके मुझे स्नेहा बताएंगे। बताइए स्नेहा। फिर से एक बार क्वेश्चन पूछना था। क्वेश्चन ये है मेरा कि जो दूसरा यूजर है जिसके थ्रू मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ, है ना, okay. उसको ये फील्ड नहीं दिखनी चाहिए रिकॉर्ड नेम। एडमिन को दिखे बट उस यूजर को ना दिखे, कैसे करेंगे आप? स्नेहा आप बहुत कम प्रैक्टिस कर रही हैं, ओके, तो प्लीज आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम देखते हैं इसको। सो हमने बोला था इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला क्या रहेगा कि जो ये यूजर है, ठीक है, जिसकी जो हमारा ये टेस्ट यूजर है, हम टेस्ट यूजर को इस फील्ड पे एक्सेस हटा देंगे। भले हम पेज लेआउट सेम रखेंगे, एडमिन का पेज लेआउट भी सेम है, टेस्ट यूजर का पेज लेआउट भी सेम है, बट चूंकि एडमिन को इस फील्ड पे एक्सेस रहेगा, टेस्ट यूजर को नहीं रख रहेगा, तो ऑटोमेटिक ये फील्ड उसको नहीं दिखेगी। तो ये टेस्ट यूजर की वो है, प्रोफाइल ओपन है, हम यहाँ ऑर्डर नंबर ऑब्जेक्ट पे गए, ये उसकी फील्ड लेवल सिक्योरिटी है, हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। और एडिट करके उस फील्ड का नाम है प्रोडक्ट नेम, वो हटा देंगे। तो ये रहा प्रोडक्ट नेम, इससे हमने रीड एक्सेस हटा दिया, ठीक है, सेव कर दिया। अब चूंकि इसको इस फील्ड पे एक्सेस नहीं है, लेट मी रिफ्रेश द पेज, सॉरी, मैं रिकॉर्ड ओपन करूंगा और मुझे यहाँ पे वो फील्ड नहीं दिख रही। बट अगर मैं एडमिन से ही इस फील्ड को अगेन देखूं, इस पेज लेआउट को, उसी रिकॉर्ड को, तो एडमिन को ये फील्ड दिख रही है। देख रहे हो, ये एडमिन है, एडमिन को फील्ड दिख रही है, बट जो दूसरा नॉर्मल टेस्ट यूजर उसको फील्ड नहीं दिख रही है। सो अगर हमको एक ही पेज लेआउट रखना है, स्टिल हम चाहते हैं कि एक यूजर को फील्ड दिखे, दूसरे को ना दिखे, सो ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका होगा दूसरा पेज लेआउट असाइन करें। करेक्ट करेक्ट। और ये सॉरी यार, अपना नाम आवाज से क्लियर नहीं हो रहा, कौन था ये? पलाश तुम थे क्या? पलाश, यस पलाश। ओके पलाश। एक चीज और इसी में आपको बता दूं, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे फील्ड के अगेंस्ट पे एडिट एक्सेस है, ठीक है। टेस्ट यूजर की जो जहाँ हम उस पे जा रहे हैं ऑर्डर नंबर ऑब्जेक्ट के जो फील्ड है उस पे एडिट एक्सेस है, बट स्टिल टेस्ट यूजर फील्ड को एडिट नहीं कर पा रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट सुपरनेट करता है फील्ड को। तो अनलेस अगर आपके ऑब्जेक्ट पे आपको एडिट एक्सेस नहीं है, तो ये वाला एडिट एक्सेस, फील्ड लेवल एडिट एक्सेस आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, बट अगर आपके ऑब्जेक्ट में आपको एडिट एक्सेस है और यहां से आप एडिट एक्सेस हटा देते हैं, तो जिस फील्ड में आपको एडिट एक्सेस रहेगा केवल आप वही एडिट कर पाएंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑब्जेक्ट पे एडिट एक्सेस नहीं है बट फील्ड लेवल आपको एडिट एक्सेस दे दिया गया तो आप एडिट कर पाएंगे, नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा सुपरनेट करेगा, ठीक है। तो चूंकि मुझे ऑब्जेक्ट पे एक्सेस नहीं है एडिट का, इंडिविजुअली फील्ड लेवल में एडिट एक्सेस दे भी दूं, वो मेरे कोई काम का नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। क्वेश्चन है यहाँ पे? नहीं, ठीक है। अब हमने ये देखा कि हमने प्रोडक्ट नेम पे अभी इसको रीड एक्सेस दे दिया है। अब हम दो डिफरेंट पेज लेआउट बनाएंगे और उसके थ्रू देखते हैं कि वो कैसे होगा। एक हम प्रोफाइल को असाइन करेंगे, एक हम एडमिन को असाइन करेंगे और एक
जो हमारा टेस्ट यूजर है उसको असाइन करेंगे। तो हम गए अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, हम गए ऑर्डर नंबर ऑब्जेक्ट पे, पेज लेआउट पे, यहाँ हम इसी का हम पहले क्लोन कर देंगे, ना ना वो तो न्यू पे ऑलरेडी ऑप्शन आ जाएगा मेरे को, ठीक है यहाँ पे हम न्यू करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ जाएगा इसको कॉपी करने का, मैं इसी को कॉपी कर दूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा सॉरी ऑर्डर नंबर और टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है जैसे पता चल रहा है टेस्ट यूजर के लिए, ये मैं टेस्ट यूजर को साइन करूंगा, सेव कर देता हूँ, ठीक है हर एक चीज वही सेम है, मैं बस कुछ नहीं करूंगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट नेम वाला है इसको उठा के यहाँ डाल दूंगा एंड आई सिंपली सेव इट। फिर जब सेव हो गया तो कहीं ना कहीं मेरे को असाइनमेंट तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सभी को यही वाला पेज लेआउट असाइन था हर एक प्रोफाइल को, तो पेज लेआउट असाइनमेंट पे जाके वो मैं चेंजेस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक प्रोफाइल के करस्पॉन्डिंग एक पेज लेआउट डिफाइन है, मैं इसे एडिट असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा, ठीक है और मुझे चेंज करना है रीड ओनली के लिए, यहाँ पे रीड ओनली को मैं दे दूंगा ऑर्डर नंबर टेस्ट, ये आ गया ऑर्डर नंबर टेस्ट, सेव इट। ठीक है नाउ अभी आप लोग देखो, तो इस पर्टिकुलर या पहले ना मैं इसको वही रखता हूँ, पहले इसको चेंज कर दूं ना दिखा सकूं प्रॉपर क्या हो रहा है, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, अभी जो एग्जिस्टिंग था वही रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब लोग आप लोग यहाँ पे देखो अगर, तो इसको प्रोडक्ट नेम की फील्ड दिखेगी, नहीं दिखी, चेंज नहीं हुआ क्या, रीड ओनली को चेंज हो गया, यहाँ दिख तो रहा है यार, डिस्क्रिप्शन से मैंने एक्सेस हटा दिया क्या, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी ओपन दिस प्रोफाइल, डिस्क्रिप्शन पे है तो रीड एक्सेस, वो प्रोडक्ट नेम पे भी है, फिर ये क्यों ब्रेक हो रहा है, ओके तो अब आ गया, अरे लेट मी स्विच टू क्लासिक, है ना यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट,
तो वापस अब लाइटनिंग पे दिखेगा। अरे क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दिख रहा? यार इसमें तो दिख रहा है, क्लासिक में आई एम नॉट श्योर लाइटिंग पे क्या इशू है, शायद कुछ कैशे का इशू हो जाता है कई बार। बार बार आप चेंज करो ना तो पेज लेआउट उसको पकड़ के रख लेता कई बार। लेट मी रिफ्रेश इट हियर। अच्छा इससे रिफ्रेश हो जाएगा। Let me refresh it from here. आ गया, ठीक है। इसको वापस मैं कॉन्फी कर दूं। इससे एप्लीकेशन हार्ड रिफ्रेश हो जाती है तो सारे कैशे रिमूव हो जाते हैं। ये जो यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन आया था, सो यू कैन सी अभी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हमने दो चीज देख ली कि अगर हम फील्ड लेवल से हटा देते हैं रीड एक्सेस तो ऑटोमेटिक वो फील्ड आपके पेज लेआउट से गायब हो जाती है। अब हमने क्या किया, जो हमने एक नया पेज लेआउट बनाया है, ठीक है, अपने पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं ना यहाँ पे दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक नया पेज लेआउट बनाया है टेस्ट वाला, वो पेज लेआउट हम अपनी इस रीड ओनली प्रोफाइल को, क्योंकि हमारे यूजर के पास यही वाली प्रोफाइल है ना, तो हम उसको असाइन कर देंगे वाला पेज लेआउट। हम गए यहाँ पे, इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे, अपना टेस्ट वाला डालेंगे, ठीक है, एंड देन सेव कर देंगे। ओके चेंजेस सेव। नाउ अभी आप लोग के यहाँ पे दिख रहा है, नहीं हुआ क्या? वापस स्विच मार। ओके यानी यहाँ पे भी दिख रहा है, इसका मतलब पेज लेआउट पे ही चेंज नहीं हुआ है। आई नीड टू ओपन दिस पेज लेआउट, पर यहाँ पे तो प्रोडक्ट नेम यहाँ पर है। हियर इट इज। ओ हो ओके आई मिस्ड इट। एक चीज जो शायद आप लोग ने उस समय ध्यान नहीं दियो, ऐसे ही मिस हो गया था, मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ और इसी बहाने एक नया टॉपिक भी आप लोग को समझा देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज देखें, जब मैं क्रिएट करने जा रहा हूं तो मेरे को ऊपर लिखा हुआ आ रहा है न्यू ऑर्डर नंबर और उसके बाद लिखा हुआ है ऑर्डर अंडरस्कोर WIP, ठीक है।
बट अगर मैं एडमिन से जाऊं अच्छा एडमिन में भी आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वर्क इन प्रोग्रेस है ओके सो आउटलुक का मैं कहां से एडमिन एडमिन वाला ये रहा सो अगर मैं इसके बारे में बताऊं ये ऑर्डर अंडरस्कोर डब्ल्यूआईपी क्यों आ रहा है द रीजन इज कि हमने एक उस दिन रिकॉर्ड टाइप बनाया था अंडरस्कोर डब्ल्यूआईपी करके ठीक है ये तब हमारा ऑर्डर नंबर ये वाला रहेगा जब हमारी पिक लिस्ट वैल्यू हमने इसकी स्टेटस करके सेट करके रखी थी सो पहले मुझे ये बताइए आप लोग को रिकॉर्ड टाइप क्लियर है कि नहीं अगर नहीं है तो मैं फिर से एक बार क्लियर एक्सप्लेन कर देता हूँ कोई इशू नहीं मुझे क्योंकि अभी हम वही देखेंगे कि रिकॉर्ड टाइप के बेसिस पे भी हम मल्टीपल पेज लेआउट कैसे असाइन करते हैं तो सभी को रिकॉर्ड टाइप क्लियर है यस सर ठीक है पलाश को तो क्लियर है बाकी लोगों का यस नो एनीथिंग यस सर यस सर सभी को क्लियर है क्या बात है सभी को क्लियर है तो अगेन स्नेहा आप बताइए मुझे आपने बोला था कि रिकॉर्ड टाइप वो होता है कि मतलब उसके नाम में ही होता है टाइप ऑफ रिकॉर्ड नाम से ही क्लियर होता है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड यस ठीक है और तो और क्या पर्पस है उसका क्या करता है वो बेसिकली एक्सप्लेन में या टाइप क्रिएट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए पहली लाइन तो आपने याद कर ली बहुत अच्छे से लेकिन उसके बाद का आप नहीं कर पाए क्या एक्चुअली कंफ्यूज हो रही हूँ मैं बताने में एक्सप्लेन नहीं हो कर पा रही हूँ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही आप बट मैडम आपको इंटरव्यू में तो करना पड़ेगा ना एक्सप्लेन हाँ सर है ना तो उसका तो जवाब अगर ऐसे चलेगा तो फिर इंटरव्यू वाला कैसे समझेगा कि आपको आता है यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट देयर राष्ट्रीय आप बताइए सर एक रिकॉर्ड मीन्स उस टाइप का रिकॉर्ड के अगर हमको पेज लेआउट बनाना हो तो जैसे इस केस में जो स्टेटस का है वही एक सेट करके हमने बनाया तो उस टाइप का मतलब एक ही रिकॉर्ड टाइप का डेटा अगर हमको लेके हमको कुछ नया पेज लेआउट बनाना है तो इसके लिए ओके थोड़ा थोड़ा आप टच किए हैं बट अगेन द डेफिनेशन इज ऑफ क्वाइट थोड़ा थोड़ा था क्लोज बट इट्स ऑफ ओके पलाश तुम बताओ यार सबसे पहले तुमने हाँ बोला था तुम बताओ सर डेटा सेग्रीगेट करने के लिए हम यूज करते हैं उसको ओके इज अ रिकॉर्ड टाइप नहीं यूज नहीं करते इट हेल्प अस ये हां यस इट्स हेल्प अस टू डेटा सेग्रीगेट ठीक है और क्या रिकॉर्ड टाइप हम कभी कब क्रिएट कर सकते हैं रिकॉर्ड टाइप सर उसमें पिक लिस्ट रहेगा तभी हम रिकॉर्ड टाइप बना सकते हैं यस वेरी गुड ये नितिन ने जवाब दिया है ना पुष्प सर पुष्प ओके सॉरी सो गुड वेरी पूछा था नहीं यार मैं आ ही रहा था तो अनलेस आपके ऑब्जेक्ट में पिक लिस्ट फील्ड नहीं होगी ठीक है आप रिकॉर्ड टाइप क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक ही फील्ड है स्टेटस वाली इसलिए अगर आप देखें तो रिकॉर्ड टाइप पे क्लियर ही यहाँ पे लिखा हुआ रहा है पिक लिस्ट अवेलेबल फॉर एडिटिंग ओके नाउ आपने देख लिया कि हम इस तरीके से एक रिकॉर्ड टाइप क्रिएट कर सकते हैं अब क्या होता है यहाँ पे आप एक चीज देखो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ पेज लेआउट वाले से कि इवन दो मैंने इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अगेंस्ट पे नया वाला पेज लेआउट ऐड करके रखा स्टिल यहाँ पे मुझे ये फील्ड दिख रही है प्रोडक्ट नेम क्यों दिख रही है क्योंकि अगर आप इसके राइट हैंड साइड पे देखें तो एक और रिकॉर्ड टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर WIP ठीक है तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम जो भी रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे हम जो भी रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं उसका जो रिकॉर्ड टाइप बन रहा है
बैकग्राउंड पे, वो बैकग्राउंड रिकॉर्ड टाइप क्या बन रहा है, ऑर्डर WIP बन रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे हम जो भी, अगर आप इसको सबसे अच्छा समझने का है तो क्या, आप ऐसे देखो जैसे हम न्यू कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ रहा ऑर्डर WIP। नाउ अगर मैं लाइट से ये रिकॉर्ड टाइप डिलीट कर देता हूँ, है ना, लेट मी डिलीट इट, only inactive record types can be deleted, deleted the record type, deactivate the record type, acha pehle deactivate karna padega, the record type cannot be deleted because the following profile use this record type as default, okay, to sabse pehle to mujhe usko deactivate karna padega, and kyunki us pe kuch record bhi create hue hue hai, ठीक है, हमने बनाया था रिकॉर्ड टाइप फॉर वर्क इन प्रोग्रेस ऑर्डर नंबर, नाउ आप लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं, सो बाय डिफॉल्ट हमको वर्क इन प्रोग्रेस वाला ही दिख रहा है, ऑर्डर वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्यों दिख रहा है, जो हमने नया रिकॉर्ड टाइप क्रिएट किया वही वाला क्यों दिख रहा है, तो उसका आंसर आपको मिलेगा प्रोफाइल पे, अगर मैं इस रीड ओनली प्रोफाइल पे जाऊं, कंट्रोल एफ करूं एंड ऑर्डर नंबर लिखूं, पेज लेआउट ये नहीं, यही वाला सी, सो कस्टम रिकॉर्ड टाइप सेटिंग्स में हमारे ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट पे जो रिकॉर्ड टाइप है वो बाय डिफॉल्ट कौन सा आ रहा है, ऑर्डर अंडरस्कोर WIP, अब बाय डिफॉल्ट ये इसीलिए आएगा क्योंकि एक ही रिकॉर्ड टाइप है, बाकियों पे तो नहीं दिख रहा कोई भी इस तरीके का, है ना, हमने और भी हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट है उनपे कोई नहीं है, जैसे ही हमने एक अलग क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट वही वाला दिख रहा है, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड टाइप किया इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो गया, हाँ अगर मैं 2-3 और भी क्रिएट करूं तो मैं ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई कौन सा रिकॉर्ड टाइप मेरे को यहाँ पे डिफॉल्ट रखना है, ठीक है। नाउ चूंकि हर एक इन सभी प्रोफाइल के लिए जो बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड टाइप अभी इस समय है वो ये वाला रिकॉर्ड टाइप है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पेज लेआउट असाइनमेंट पे, और क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये वाला रिकॉर्ड टाइप असाइन है हर एक रिकॉर्ड के लिए जो भी रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे हैं, हम इस वाले को वो कर देंगे, यहाँ एडिट असाइनमेंट पे मैं गया और इसको भी मैं चेंज कर दूंगा, अब यहां पे मैंने टेस्ट वाला कर दिया है, लेट मी सेव इट, नाउ अब अगर मैं इधर चेक करूंगा तो मुझे नहीं देखना चाहिए यार, अब तो प्रोडक्ट नेम से अभी भी दिख रहा है, सेव हो गया,
Let me first switch to classic. Oh yeah, shit. ओके यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, लेट मी जस्ट रिफ्रेश का इशू है, कैशे का इशू है. तो आप लोग देखिए ये पेज लेआउट यहाँ से हट गया. ठीक है, सो जैसे मैंने कहा कि चूंकि हम जो अभी जो भी रिकॉर्ड टाइप बना रहे हैं, चूंकि हमने सिर्फ हमारे उसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड टाइप है, सो बाय एक मास्टर रिकॉर्ड टाइप तो रहता ही है. ठीक है, वो डिस्प्ले नहीं होगा जो इधर आपका रिकॉर्ड टाइप पे दिख रहा है एक मास्टर करके. ठीक है, सो अगर आपने ये क्रिएट नहीं किया होता तो बाय डिफॉल्ट सभी को एक ही इस तरीके का पेज लेआउट रहता. नाउ जो मैं पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पे कि लेट से अगर आपसे इस तरीके का भी रिक्वायरमेंट आए, यहाँ एडमिन के केस में मैं दिखा देता हूं कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ये रिकॉर्ड ओपन किया, इसमें अगर स्टेटस पेंडिंग है, ठीक है, तो लेट से एक मतलब जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फील्ड है, लेट से अगर स्टेटस पेंडिंग है तो डिस्क्रिप्शन फील्ड ना दिखे. ठीक है, और स्टेटस अगर, या फिर ऐसा करना है कि लेट्स से स्टेटस अगर कंप्लीट हो गया है और मैंने सेव किया, ठीक है, नाउ इसके बाद लेट्स से यूजर इसको एडिट ना कर पाए. ठीक है, तो यूजर यहाँ पे एडिट की जो परमिशन है यूजर की वो हट जानी चाहिए कि यूजर अब इसको एडिट ना कर पाए. ठीक है, सो अगर हमें इस तरीके का पेज लेआउट बनाना है कि अगर उसका स्टेटस कंप्लीटेड है तो वो एडिट ना कर पाए, लेकिन अगर उसका स्टेटस वर्क इन प्रोग्रेस या पेंडिंग है तो वो एडिट कर पाए, या अगर उसका स्टेटस कंप्लीटेड है तो उसको अपडेट ऑर्डर नंबर या सबमिट फॉर अप्रूवल ये सारी बटन दिखे, बट अगर स्टेटस कंप्लीटेड ना हो तो उनको ये बटन ना दिखे, कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है. सो बेस्ड ऑन हमारी ये पर्टिकुलर वैल्यू कि किस इस रिकॉर्ड टाइप पे हमको क्या पर्टिकुलर हमारा पेज लेआउट दिखाना चाहिए, हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं. तो नॉट ओनली दिस कि हम हर अलग अलग यूजर को, सॉरी हियर इट इज, हर एक अलग अलग प्रोफाइल को अलग अलग पेज लेआउट दिखाएं, साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोफाइल को, जैसे रीड ओनली प्रोफाइल है, इस एक प्रोफाइल को उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए भी मल्टीपल मल्टीपल पेज लेआउट दिखा सकते हैं बेस्ड ऑन जो हमारे रिकॉर्ड टाइप की वैल्यू होगी. अरे कहाँ गया, इधर. अगर स्टेटस वर्क इन प्रोग्रेस है तो कुछ और दिखे वैल्यू, मतलब पेज लेआउट कुछ और हो, स्टेटस अगर पेंडिंग है तो कुछ और पेज लेआउट दिखे, और अगर आपके से वो है क्या बोलते हैं कंप्लीटेड है तो कुछ और दिखे. तो अगर हम इसे टेस्ट करना तो कैसे करेंगे, सो हम क्या करेंगे, लेट से हम यहाँ पे एक और रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करते हैं. ठीक है, और पहले वाले को असाइन कर देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के लिए. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ एडिट पे जाऊं, सो यहाँ पे जो पिकलिस्ट वैल्यू है वो केवल वर्क इन प्रोग्रेस और पेंडिंग होनी चाहिए, कंप्लीटेड को मैं इधर ले आता हूँ. ठीक है, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस को अलग, केवल वर्क इन प्रोग्रेस वाला रखता हूँ, बाकी अलग कर देता हूँ. ठीक है, तो एक आपकी ये हो गई. अब मैं एक नया रिकॉर्ड टाइप और बनाता हूँ. रीड ओनली, तो ये मैं सिर्फ इसी के लिए अवेलेबल करता हूं. कंप्लीटेड को सीयूएम कर देता हूं मैं.
ठीक है, और सिर्फ इसको अवेलेबल है और सिस्टम एडमिन के पास अवेलेबल करा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अप्लाई वन लेआउट टू ऑल प्रोफाइल्स, ठीक है। तो अभी तो आप लेट से कर सकते हो कि हाँ भाई ये वाला कर दो, बाद में हम मैनुअली चेंज कर देंगे खुद ही जाके। सॉरी, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पिक लिस्ट अवेलेबल फॉर एडिटिंग क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम रखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस को हटा देंगे, बाकी कंप्लीटेड और पेंडिंग रखेंगे। डिफॉल्ट हम कर देते हैं कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ अब हम चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो वो है आपके से रिकॉर्ड टाइप, ये हमको अवेलेबल है कि नहीं, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं गया रीड ओनली पे, गया मैंने सर्च किया ऑर्डर नंबर, सो मेरे को ऑर्डर वर्क इन प्रोग्रेस भी है बाय डिफॉल्ट वो है और ऑर्डर नंबर कंप्लीटेड भी है, ठीक है। सो मैं रिकॉर्ड क्रिएट करने जाऊंगा तो दोनों का ऑप्शन मेरे को देगा। नाउ लेट्स से मैं ऑर्डर नंबर पे गया, अब जैसे ही मैं क्रिएट करने का जाऊंगा ना, मेरे से ये ऑप्शन पूछेगा कि आपका रिकॉर्ड टाइप आप क्या रखना चाहते हो अपने रिकॉर्ड का। देखो यहाँ पे मैं से पूछ लिया पहले ही कि आपको अपना रिकॉर्ड टाइप क्या रखना है। अगर मैं वर्क इन प्रोग्रेस रखूंगा तो जो मेरी स्टेटस फील्ड है बाय डिफॉल्ट उसका स्टेटस हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, क्योंकि मैंने जो पिक लिस्ट वैल्यू सिलेक्ट की थी वो वर्क इन प्रोग्रेस की थी। मैं इस बार कंप्लीटेड रखता हूँ, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो मेरे को सिर्फ दो ही ऑप्शन आ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। मैंने लेट्स से कंप्लीटेड रखा, डिस्क्रिप्शन मेरी हाइट क्यों हो गई, फील देखना पड़ेगा। दिस इज फॉर रिकॉर्ड टाइप टेस्ट सेव। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक ही यूजर है ना, एक ही ऑब्जेक्ट भी है, बट दो अलग अलग रिकॉर्ड्स के लिए अलग अलग पेज लेआउट दिखेगा। 07 जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो अलग दिखेगा और यहाँ मैं 09 ओपन कर रहा हूँ। तो 09 पे आप देखिए आपको स्टेटस फील्ड भी दिख रही है, प्रोडक्ट नेम भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है, वैल्यू नहीं आ रही बात अलग है, वो लिखने ही नहीं दिया, बट है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सर, कंप्लीटेड होगा तो डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगा, ऐसे आपने ये किया था? मैंने किया था क्या ऐसा? हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है, ओके। बट मेन मुद्दा भी ये है यहाँ पे कि देखिए एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही प्रोफाइल है, मतलब यूजर हमारा एक ही है ना, यूजर को एक ही प्रोफाइल असाइन होती है, उसका ऑब्जेक्ट भी एक है। हम एक रिकॉर्ड ओपन कर रहे हैं तो उसमें हमको प्रोडक्ट नेम फील्ड दिख रही है, एक रिकॉर्ड ओपन कर रहे हैं तो उसमें हमको प्रोडक्ट नेम फील्ड नहीं दिख रही है, यानी हम बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप भी उसको अलग अलग पेज लेआउट असाइन कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई, समझ में आई ये चीज? यस सर। नहीं, क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। एनीवन, स्नेहा, राजश्री, कोमल, ज्योति, एनी क्वेश्चन हियर? नो सर। पुष, नितिन, पलाश, एनी क्वेश्चन? अक्षय, क्लियर सर। नो सर, अंडरस्टूड। एक बार रिपीट कर दूं मैं? एक बार रिपीट कर दूं मैं? हाँ हाँ, ओके। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने रिकॉर्ड टाइप क्रिएट किया, रिकॉर्ड टाइप कैसे क्रिएट किया वो समझ में आ गया? हाँ ठीक है। नाउ अगर आप एक चीज देखो तो मैं आपको फिर से एक चीज दिखाता हूँ, लेट्स से यहाँ पे दिखाता हूँ। जब मैं न्यू का रिकॉर्ड क्रिएट करने जाऊंगा, अगर मैंने अपना ऑर्डर रिकॉर्ड टाइप सिलेक्ट करता हूँ ऑर्डर वर्क इन प्रोग्रेस वाला, तो इसमें मेरे को स्टेटस में सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस दिखेगी और कोई फील्ड नहीं दिख रही। बट अगर मैं कंप्लीटेड वाला जाता हूं तो मेरे को
कंप्लीटेड और पेंडिंग दिखेगी, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि अगर मैं रिकॉर्ड टाइप पे जाऊं तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस वाले रिकॉर्ड टाइप पे जाऊं तो मैं देखूंगा कि यहां पे मैंने नीचे ऑप्शन आता है पिक लिस्ट अवेलेबल फॉर एडिटिंग, और इसमें अगर मैं स्टेटस फील्ड पिक लिस्ट पे जाऊंगा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस को यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यूज में रखा हुआ है। दैट इज वाई अवेलेबल और पेंडिंग मुझे नहीं दिख रही। अगर मैं पेंडिंग को भी कर ले आता हूँ तो अगली बार से मुझे पेंडिंग भी दिखेगी। ठीक है, मैंने पेंडिंग को यहाँ पे ले आया। दूसरा, अगर मैं कंप्लीटेड वाले पे जाऊंगा तो यहाँ पे अगर मैं स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे को कंप्लीटेड और पेंडिंग को मैंने सिलेक्टेड वैल्यूज में रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रखा है। नाउ हम रिकॉर्ड टाइप क्यों क्रिएट करते हैं? तो जैसे मैंने बोला, ये आपको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेटिंग योर रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसमें आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अनलेस आपके पास एक पिक लिस्ट नहीं होगी तो आप रिकॉर्ड टाइप क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, थर्ड, कि ये हमें हेल्प करता है कि बेस्ड ऑन अगर हमारी पिक लिस्ट में क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं उसके बेसिस में हम अलग अलग पेज लेआउट भी यूजर को डिस्प्ले करा सकते हैं, है ना। अगेन सेम प्रोफाइल के सेम ऑब्जेक्ट पे अलग अलग रिकॉर्ड्स के लिए अलग अलग पेज लेआउट। ठीक है, सो अगर मैं यहां पे जाऊं पेज लेआउट असाइनमेंट पे, तो जैसे ही मैं पेज लेआउट असाइनमेंट पे जाके देखूंगा, यहाँ पे हमने दो पेज लेआउट बनाए हैं, टेस्ट एंड लेआउट वाला। ओके, सो यहाँ पे जैसे देखो, जो हमारा दूसरा पेज लेआउट था ऑर्डर नंबर कंप्लीटेड वाला, इसके लिए जो हमने हमारी जो प्रोफाइल है रीड ओनली, इसको दूसरा पेज लेआउट दिया हुआ है, और ऑर्डर वर्क इन प्रोग्रेस वाले के लिए एक अलग पेज लेआउट दिया हुआ है। ठीक है, सो मान लेते हैं एक इस तरह की हमारी वो है, कोई हम ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पे कि अगर यूजर, ठीक है, ड्रॉप डाउन में एक वैल्यू सिलेक्ट करता है हिंदी, मान लेते हैं जिसमें एक वो है ड्रॉप डाउन वैल्यू है लैंग्वेज, जिसमें अगर यूजर सिलेक्ट करता है हिंदी तो उसको लेट से दो तीन मल्टीपल एक्स्ट्रा फील्ड दिखनी चाहिए, बट अगर वो इंग्लिश फील्ड सिलेक्ट करता है तो उसको वो फील्ड नहीं दिखनी चाहिए। अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको कंप्लीट करना है तो कैसे करोगे? अगेन आप एक नया रिकॉर्ड टाइप इसके लिए क्रिएट करोगे कि लेट से हिंदी वाला जो भी रिकॉर्ड रहेगा उसके लिए फिर आप एक, जैसे मैंने कहा, जब एक नया रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करोगे तो उसके बेसिस पे नया एक पेज लेआउट भी बनाना, कि अगर कोई भी रिकॉर्ड के लिए आप जैसे ही अपना रिकॉर्ड टाइप हिंदी सिलेक्ट करते हो तो ये वाला पेज लेआउट उसमें दिखेगा जिसमें ये तीन चार फील्ड दिखेंगी। क्लियर हुआ? यस सर। तो यहाँ पे एक ही यूजर है जिसको, ठीक है, इन चार फील्ड पे एक्सेस है, बट एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे उसको ये फील्ड दिख रही है, दूसरे रिकॉर्ड पे उसको ये फील्ड नहीं दिख रही है। ये चीज क्लियर हुई? Yes. ठीक है, सो आज हम देखते हैं हमने क्या किया। हमने ये देखा कि ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट में हमने देखा कि एक यूजर को लेट से अगर प्राइवेट सेटिंग्स रहती हैं तो कैसे उस यूजर को केवल उसी के रिकॉर्ड दिखेंगे, बाकी दूसरे नहीं दिखेंगे। पब्लिक रीड ओनली रहेगा तो डेफिनेटली हर एक यूजर को हर एक रिकॉर्ड दिखेगा। हमने प्रोफाइल के थ्रू देखा कि हम किस तरीके से प्रोफाइल में क्रिएट रीड एक्सेस देंगे तो सिर्फ उसको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा और उसके रिकॉर्ड दिखेंगे, वो ना रिकॉर्ड ना कोई न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर पाएगा, ना वो एडिट कर पाएगा, ना डिलीट कर पाएगा। सिमिलरली हमने ये भी देखा कि प्रोफाइल के स्पेसिफिक अगर हम फील्ड पे जाते हैं तो अगर हमको पर्टिकुलर किसी फील्ड से रीड एक्सेस हटाना है तो हम कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, और प्रोफाइल की जो परमिशन होती है, अगर प्रोफाइल में आपको एडिट परमिशन नहीं है तो आप भले फील्ड लेवल आपको एडिट एक्सेस हो तो भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्रोफाइल सुपरनेट करती है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर प्रोफाइल ही सुपरनेट करती है। ठीक है, इसी पे मैं आप लोगों को एक चीज और भी दिखाऊं। सो अभी इस यूजर को, रीड ओनली प्रोफाइल को, हमने एडिट एक्सेस नहीं दिया है, ये एडिट नहीं कर पाएगा।
लेट सपोज मैं यहां जाता हूं और ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट में अभी चूंकि प्राइवेट है, प्राइवेट की जगह पब्लिक रीड राइट कर देता हूं, तब क्या होता है? यह है यहां पे ऑर्डर नंबर, इसको मैं कर देता हूं पब्लिक रीड राइट और मैं इसको सेव कर देता हूं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं एक आध मिनट, जब तक ये सेटिंग एप्लीकेबल हो रही है। नाउ पुष्प, आप मुझे बताइए, मैंने ऑर्डर नंबर ऑब्जेक्ट के लिए जो वो है ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट है पब्लिक रीड राइट कर दिया, तो इसका बेसिक मतलब क्या है, इससे क्या होगा, जो बेसिक चेंज एप्लीकेशन पे क्या होगा? सर वो ऑब्जेक्ट देख पाएगा, उसमें एडिट कर पाएगा, डिलीट भी कर पाएगा और क्रिएट भी कर लेगा। ओके, कौन ये कर पाएगा? यूजर, जिसको हम देंगे वो एक्सेस। अच्छा, ये ऑर्गवाइड डिफॉल्ट में किस स्पेसिफिक यूजर को कैसे देते हैं, थोड़ा बताएंगे आप मेरे को? सॉरी सर, सब कर पाएंगे, सब कर पाएंगे। ओके, सो नितिन आप मेरे को बताइए, पुष्प ने जो बोला थोड़ा बहुत कुछ सही है कि बहुत कुछ सही है कि बिल्कुल भी सही नहीं है? सही है सर, सब सही है। रिकॉर्ड देख भी पाएगा और एडिट भी कर पाएगा सर। हाँ, रिकॉर्ड देख भी पाएगा, एडिट भी कर पाएगा, बट पुष्प कह रहा है कि डिलीट भी कर पाएगा। सर एडिट करेगा तो उसको अगर डिलीट का ऑप्शन रहेगा तो डिलीट भी कर देगा एडिट में। अगर एडिट और डिलीट सेम चीज है क्या? वो सर फिर अलग-अलग है, एडिट में अपडेट करेगा वो रिकॉर्ड से अगर उसको कुछ अपडेट करना होगा। हाँ, एडिट अलग चीज है, डिलीट अलग चीज है। यस सर। तो क्या डिलीट का ऑप्शन आएगा? नहीं सर, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अच्छा ओके ठीक है, पलाश आप बताइए। सर वो रीड कर पाएगा और एडिट कर पाएगा। ओके, ओनली डिलीट वाला कुछ सिनारी होगा? नो सर। ओके, तो और पुष्प ने ये भी बोला, पुष्प आपने बोला कि आप क्रिएट भी कर पाएगा, क्रिएट कैसे करेगा आप थोड़ा बताएंगे पुष्प? हेलो, हाँ सर, हाँ बताइए पुष्प, आप बोल रहे थे क्रिएट भी कर पाएगा, एडिट भी कर पाएगा, डिलीट भी कर पाएगा। नाउ इससे जब आप इस तरीके का बोलते तो इससे मुझे ये लगता है कि आप अभी भी क्लियर नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि प्रोफाइल से क्या एक्सेस मिलता है और ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट से क्या एक्सेस मिलता है। सो जो हम क्रिएट, एडिट, डिलीट ये सारी परमिशन मिलती है प्रोफाइल से, ठीक है, और ये डेटा की परमिशन नहीं होती, ऑब्जेक्ट की परमिशन होती है। ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट से आपको डेटा पे एक्सेस मिलता है। नाउ जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिक रीड राइट कर दिया, दैट मींस कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जितने भी रिकॉर्ड होंगे, जितने भी, तो हर एक यूजर को वो सभी रिकॉर्ड दिखेंगे, नॉट ओनली दिखेंगे, वो उनको एडिट भी कर पाएंगे। बट देयर इज अ कैच हियर, वो कैच ये है कि जिनको एडिट परमिशन होगी केवल वही एडिट कर पाएंगे। और एडिट परमिशन कहां से मिलती है? प्रोफाइल से मिलती है। सो इवन दो मैंने ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट ऑर्डर नंबर के लिए पब्लिक रीड राइट कर दिया है, बट चूंकि इस पर्टिकुलर यूजर को सिर्फ रीड एक्सेस है, एडिट एक्सेस नहीं है, तो सी इसको सारे रिकॉर्ड्स दिख तो रहे हैं बट ये उनको एडिट नहीं कर पाएगा। सी ये सारे रिकॉर्ड्स को देख तो सकता है बट एडिट नहीं कर सकता। है ना, देखो यहाँ पे मैं चाह के भी इसको एडिट नहीं कर पा रहा हूं।
क्यों नहीं कर पा रहा हूं और क्यों इस तरीके से वर्क होता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी कभी नॉर्मल कई जगह ऐसे सिनारियो आएंगे कि एक जो परमिशन है नॉर्मली, और ये जो सिनारियो यही वाला रहेगा, कहां गया ये वाला, कि डेटा से हम जब इसको, और इधर से भी समझाता हूं मैं, लेट से ये है, इधर से समझाता हूं, मैंने आप लोगों को मैनुअल शेयरिंग बताया था ना, है ना, कि मैनुअली अगर मुझे कोई रिकॉर्ड किसी और यूजर के साथ शेयर करना हो उसे मैनुअल शेयरिंग कहते हैं ना। अगर लेट से मैं कस्टमर का एक वो है रिकॉर्ड है, ठीक है, कस्टमर ऑब्जेक्ट पे गया, ठीक है, इस रिकॉर्ड को मैंने ओपन किया, और लेट से ये वाला रिकॉर्ड मैं शेयर करना चाहता हूं, शेयरिंग ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, मैं एडमिन ही हूं ना, मेरे से शेयरिंग एक्सेस चला गया क्या भाई, अच्छा कंट्रोल बाय पेरेंट हो गया कस्टमर तो अब ओके, ठीक है, तो ऑर्डर नंबर के लिए देखते हैं, ऑर्डर नंबर पे भी नहीं आ रहा है, लेट्स ट्राई फॉर अदर कॉन्टेक्ट, ओके इधर देखते हैं, लास्ट टाइम देखे तो थे शेयरिंग का, मैं ही एडमिन ही हूं ना यहाँ पे, रिकॉर्ड को शेयर क्यों नहीं कर पा रहा हूं किसी भी, यहाँ भी ऑप्शन नहीं आ रहा, और ओके यहाँ पे आ रहा है अकाउंट पे, ओके किसी ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होगा किसी पे नहीं होगा, ओके ठीक है, मेरे को बताना था शेयरिंग सेटिंग का, तो जो मैंने आप लोग को बताया था मैनुअल शेयरिंग का, तो लेट से मैं अगर ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड, ठीक है, जो मेरा टेस्ट यूजर है उसके साथ शेयर करता हूँ और उसको रीड और राइट दोनों एक्सेस दे देता हूँ, लेट सपोज, ठीक है, वी कुड नॉट मेक रिकॉर्ड चेंज टू 3RI टेस्ट रिकॉर्ड शेयर चेंजेस एरर, वाई एरर तो शायद उसके साथ पहले से शेयर होगा, ओके वो छोड़ो, शेयरिंग हम बाद में करेंगे, जो मेरा मतलब था बताने का वो दिखा देता हूँ बस। सो लेट सपोज मैं यहां से उसको रीड राइट एक्सेस भी दे दूं, ठीक है, ये सिर्फ पर्टिकुलर इन्हीं एक केस पे होता है डेटा के, कि लेट से अगर आपने डेटा से रीड और एडिट एक्सेस, राइट का मतलब एडिट होता है, अगर आप डेटा से मतलब किसी भी थ्रू शेयरिंग के थ्रू, चाहे आप ऑर्गवाइड डिफॉल्ट के थ्रू दो, ठीक है, शेयरिंग रूल के थ्रू दो या मैनुअल शेयरिंग के थ्रू दो, कैसे भी रीड और एडिट एक्सेस दोनों दे दोगे, बट अगर प्रोफाइल के थ्रू यूजर को सिर्फ रीड एक्सेस है तो वो रिकॉर्ड को केवल देख पाएगा, एडिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सिनारियो चलता है, अगर आप लोगों ने जो भी दो एक फॉर्मूला कंडीशन फॉर्मूला की होती है, या तो एंड या और, ठीक है, यहाँ पे रूल चलता है एंड का, दैट मींस कि प्रोफाइल से भी आपको एडिट एक्सेस होना चाहिए और जब डेटा के थ्रू भी आपको एडिट एक्सेस मिल रहा होगा तभी आप उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट कर पाओगे। अदरवाइज अगर एक भी सिनारियो से अगर आपको प्रोफाइल में लेट से एडिट है, ठीक है, और मैंने अगर आपके साथ कोई रिकॉर्ड शेयर किया
और मैंने उसमें आपको सिर्फ रीड एक्सेस दिया, एडिट एक्सेस नहीं दिया, तो भी आप उस रिकॉर्ड को केवल देख पाओगे, रीड कर पाओगे, एडिट नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर आपको प्रोफाइल से रीड एक्सेस है, बट अगर जब मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसमें मैंने आपको रीड राइट एक्सेस दे दिया है, तो भी आप सिर्फ डेटा को रीड कर पाओगे। तो एक ही सिनारियो पे आप डेटा को देख भी सकते हो और एडिट भी कर सकते हो, कि आपको प्रोफाइल से भी एडिट परमिशन हो और जब मैं आपके साथ रिकॉर्ड शेयर कर रहा हूं उसमें भी मैं आपको रीड और एडिट एक्सेस दोनों दूं। ठीक है, तो ये जो सिनारियो हो गया ये तो मैनुअल शेयरिंग वाला हो गया। इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, ये सिर्फ जो मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल शेयरिंग के केस में बता रहा था। ठीक है, नाउ लेट सपोज यहां पे जैसे इस पर्टिकुलर यूजर को हमने ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट से पब्लिक रीड राइट एक्सेस दे दिया ऑर्डर नंबर ऑब्जेक्ट के लिए, पर चूंकि इस पर्टिकुलर यूजर को एडिट एक्सेस प्रोफाइल से नहीं है इसलिए इसको एडिट नहीं कर पा रहा है। अब हम सिनारियो थोड़ा रिवर्स करते हैं और हम ये करते हैं कि इसको प्रोफाइल से तो रीड और एडिट एक्सेस दोनों देंगे, बट यहाँ पे इसको पब्लिक रीड राइट की जगह केवल पब्लिक रीड करते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। अभी तक जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ कि किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? अरे हाँ या ना तो बोलो कि 10:30 हो गए। क्लियर है सर। ओके, तो मुझे लग रहा है नींद आ रही है सभी को और टाइम 10:30 के पार हो गया क्या? ओह इट्स 10:35। जस्ट मैं ये एग्जांपल दे दूं। तो अब हम जाएंगे कंट्रोल एफ करेंगे, ऑर्डर नंबर यहाँ रखते हैं, ऑर्डर नंबर पे इसको एडिट एक्सेस और दे देते हैं एंड सेव कर देते हैं। नाउ इसको प्रोफाइल से अब एडिट एक्सेस हो गया है एंड एज आई सेड प्रोफाइल सुपरनेट करती है हर चीज को। ठीक है, प्रोफाइल में एडिट एक्सेस है यानी So, ये यूजर अभी इसको एडिट नहीं कर पा रहा है, बट क्या लगता है इसको एडिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये कैशे का इशू है, क्या लगता है? कौन बताएगा आंसर? प्रोफाइल से एडिट एक्सेस है बट शेयरिंग रूल के थ्रू हमने जो रिकॉर्ड शेयर किया उसमें सिर्फ हमने रीड एक्सेस दिया है। कौन बताएगा भाई, एडिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। नहीं कर पाएगा, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी कहा था, जो मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा था कि एंड कंडीशन वाला, ये सिर्फ अप्लाई होता है मैनुअल शेयरिंग पे। ठीक है, और वाइड डिफॉल्ट के केस पे नहीं अप्लाई होता वो। सो अगेन सम अप करता हूं एंड देन आई एंड दिस सेशन एंड प्लीज रिमेंबर इट। और ये रिमेंबर याद करने की चीज नहीं, प्रैक्टिस करते रहोगे अपने आप हो जाएगा। अगर प्रोफाइल पे सिर्फ रीड एक्सेस है, एडिट एक्सेस नहीं है, सिर्फ रीड एक्सेस है, आप और वाइड डिफॉल्ट के थ्रू उसको पब्लिक रीड राइट एक्सेस दो, कहीं से कोई भी रीड राइट एक्सेस दो, यूजर उस डेटा को देख पाएगा बट एडिट नहीं कर पाएगा। बट अगर प्रोफाइल से एडिट एक्सेस है, ठीक है, प्रोफाइल से एडिट एक्सेस मिल रही है, तो जो आपका ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट होता है अगर वहां पे उसको पब्लिक रीड ओनली है, रीड राइट का एक्सेस नहीं है, रीड ओनली का एक्सेस है, तो भी वो उस रिकॉर्ड को एडिट कर पाएगा। मैनुअल शेयरिंग के केस पे एक कंडीशन चेंज हो जाती है। मैनुअल शेयरिंग के केस पे ये हो जाता है कि अगर
मैं अगर किसी के साथ रिकॉर्ड शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैनुअल शेयरिंग वाला सिनेरियो ये है कि मैं दूसरे यूजर को परमिशन देना चाहता हूँ कि नहीं, तो मैं दूसरे यूजर को परमिशन दूंगा कि हाँ तुम इसको एडिट कर पाओ या ना कर पाओ, ठीक है। तो उस केस में, केवल मैनुअल शेयरिंग के केस में ऐसा होगा कि अगर आपके पास एडिट एक्सेस है प्रोफाइल में, और साथ ही साथ जब मैं आपके साथ रिकॉर्ड शेयर कर रहा हूँ तब भी मैं आपको एडिट की परमिशन दे रहा हूँ रीड राइट वाली, तभी आप जाके रिकॉर्ड को एडिट कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? सही है। थर्ड पॉइंट क्या बोला आपने, फिर से रिपीट करो। थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है मैनुअल शेयरिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा की चार लेयर आपके साथ, चार तरीके से डेटा आपके साथ शेयर होता है। सबसे बेसिक है आपका ऑर्गॉइड डिफॉल्ट, ठीक है, जो थ्रू आउट आपके ऑर्गेनाइजेशन पे चलता है। द सेकेंड वुड बी हायरार्की, थर्ड इज शेयरिंग रूल्स, एंड द फोर्थ इज मैनुअल शेयरिंग। तो चूंकि मैनुअल शेयरिंग ऐसी है जहां पे मैं आपके साथ और रिकॉर्ड को शेयर कर रहा हूं, ठीक है, सो उस केस में ऐसा होता है कि अगर आपके पास एडिट परमिशन है और मैंने भी आपको एडिट परमिशन दी है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे, क्योंकि जो आप मैनुअल शेयरिंग करते हो वो आप किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की करते हो, तो उसी केस में आप उस रिकॉर्ड को एडिट कर पाएंगे, उस एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जो मैनुअल शेयरिंग के थ्रू मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपके पास प्रोफाइल से एडिट परमिशन नहीं है तो आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे, या फिर जब मैं आपके साथ रिकॉर्ड शेयर कर रहा हूं और मैंने आपको एडिट परमिशन नहीं दी है तो भी आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, बाकी अगर थोड़ा डाउट है सो द रिकॉर्डिंग इज हियर, ठीक है, हम सेशन एंड कर रहे हैं। और मैंने बार बार आप लोग से कहा है, और जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था तब भी बोला था, दिस इज द कोर ऑफ सेल्सफोर्स। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप एप्लीकेशन डेवलप, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी एप्लीकेशन तो डेवलप कर लोगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो, बट सर्टेन लॉजिक की लेट से हर एक यूजर के लिए अलग अलग दिखे, ठीक है, अलग अलग पेज लेआउट दिखे, किसको क्या डेटा दिखना चाहिए किसको क्या डेटा नहीं दिखना चाहिए, ये तरह इस तरह के सिनेरियो आपके तभी क्लियर होंगे जब आपको प्रॉपर इनमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि रोल हायरार्की ये सब क्या होता है, ऑर्गॉइड डिफॉल्ट क्या होता है, किस पर्टिकुलर चीज से कौन सा डेटा इधर उधर शेयर होगा, है ना, किस एक चीज से हम लेट्स से यूजर के क्या एक्सेस उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा एक्सेस दे सकते हैं, जब ये सारा क्लियर होगा तभी आप अपनी जो आपकी एप्लीकेशन है उसको ज्यादा डायनेमिक बना पाएंगे, अदरवाइज वेरी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, ठीक है। So we are ending the session now. Quite extend, ज़्यादा ही extend हो गया थोड़ा, but ठीक है. Minutes. Any question, guys? नहीं? No sir. No sir. Okay. ठीक है. So make sure कि आप practice करें, ठीक है? और कल जो भी आपके question हो, so सामने लेके आएं. ठीक है, जितने ज्यादा आप लोग इधर उधर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चन ला पाएंगे, ठीक है। सो वी आर एंडिंग इट नाउ एंड चलो क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, ओके, चलो गुड नाइट, बाय बाय।